हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक क्लासिक ग्लैमरस बंगाली मेकअप लुक जो आप अष्टमी या नवमी में वेयर कर सकते हैं। ये लुक बहुत ही सिंपल है और पूजो सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए तो मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक करिए। तो लेट्स रोल। सो मेकअप स्टार्ट करने के पहले आई लाइक यूजिंग आइस ओवर माय फेस। ये आपको फ्रेश तो फील कराएगा ही और आपके जो पोर्स हैं उसको भी श्रिंक करेगा, सो इट विल एक्ट एज अ प्राइमर। सो आपको एक्स्ट्रा प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और आप ये आइस आपके एक्टिव पिंपल्स में भी लगा सकते हैं तो ये आइस उसको कम करने में मदद करेगा। उसके बाद आई विल यूज़ बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। आपका कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अंडर आइज़ करेक्ट करने के लिए आई यूज द क्रायोलॉन ऑरेंज करेक्टर। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी LA कलर्स ट्रूली मैट फाउंडेशन और उसको मिक्स करूँगी नायका स्किन जीनियस हाइड्रेटिंग फाउंडेशन के साथ। उसको मैं मिक्स करूँगी रियल टेक्निक्स एक्सपर्ट फेस ब्रश के साथ एंड देन अप्लाई ऑन द फेस। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 30 हनी, जो मेरा फेवरेट है। लिड्स पे और थोड़े मार्क्स पे। एंड देन ब्लेंड इट आउट विद अ फ्लफी कंसीलर ब्रश। अंडर आइज को मैं सेट करूंगी मेबलिन फिट मी लूज पाउडर के साथ इन द शेड 25 मीडियम। रेस्ट ऑफ द फेस सेट करने के लिए आई विल यूज रिमिल स्टे मैट पाउडर। इवन दो मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मैं चीक एरिया को नहीं सेट करूंगी सो दैट थोड़ा सा वो ग्लोई लगे। ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट LA गर्ल प्रो फेस पाउडर इन द शेड चेस्टनट। ब्लश के लिए आई विल यूज इनग्लॉट फ्रीडम सिस्टम ब्लश नंबर 30। और जो भी बचा है दैट आई यूज इट ऑन द नोज। फेस को हल्का सा कॉन्टोर करने के लिए आई विल यूज मेकअप की कॉन्टोर पाउडर इन हाफ हार्टेड, और उसी से मैं नोज को भी कॉन्टोर कर लूंगी। आई मेकअप बहुत ही सिंपल है। आउटर कॉर्नर्स पे आई विल ब्लेंड आउट अ ब्राउन आई शेडो, सो इसके लिए आई विल यूज़ दिस मिस रोज 8 कलर आई शेडो। आप कोई भी ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। ऑन अ फ्लफी ब्रश आई विल ब्लेंड दिस आउट एंड क्रीज पे भी। इसके ऊपर आई विल यूज़ द ब्रॉन्जर एंड हिट द सेम प्लेसेस जहाँ पे हमने वो डार्क ब्राउन आई शेडो लगाया।
आईशैडो के लिए आई विल यूज़ मेबलिन मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर। ब्रश पे हम थोड़ा सा मेकअप फिनिशिंग स्प्रे कर लेंगे एंड देन वी विल यूज़ दी आईशैडो। वाओ, इसको मैं सिर्फ इनर कॉर्नर से 2/3 ऑफ द लिड पे लगाऊंगी। एंड सेम हाइलाइटर आई विल यूज इट ऑन द ब्राउ बोन ऑल्सो। अंडर आईज के लिए मैं सेम ब्रॉन्जर लूंगी एक छोटे से फ्लफी पेंसिल ब्रश में। डिप इट इन एंड स्मोक आउट द अंडर आईज एंड मेक श्योर कि आप आउटर एज और आउटर वी को कनेक्ट करें। और सेम फ्लफी ब्रश पे लेट्स टेक द डार्क ब्राउन आई शेडो। आईज को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए आई विल यूज आई एम्स्टरडैम काजल। ऐसे लुक के साथ विंग्ड लाइनर परफेक्ट लगता है। सो आई लाइनर के लिए आई विल यूज ब्लू हेवन वॉक फ्री आई लाइनर। आईब्राउज को फिल करने के लिए आई विल यूज फ्रीडम ब्राउ पोमेड इन एबनी। After this, I will use Pack Makeup Fixer. और जब ये सेट हो रहा है आई विल यूज द मेबलिन मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर ऑन द चीक बोन्स। नाउ जब तक ये स्प्रे सेट हो रहा है तब तक हम आईलैशेस कर्ल कर लेंगे और विल पुट ऑन सम मस्कारा। मस्कारा के लिए आई विल यूज एस्टे लॉडर सम्शियस एक्सट्रीम मस्कारा। आई विल ट्राई टू पुट ऑन दीज लैशेस दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन एंड आई विल बी राइट बैक। ओके, सो इट टुक मी अ मिलियन ईयर्स टू वेयर दीज लैशेस बट आई एम बैक। आई विल वेयर सम काजल एट द इनर कॉर्नर्स। लोअर लैश लाइन को थोड़ा और डार्क करने के लिए आई विल पुट सम ब्लैक आई शेडो सिर्फ आउटर एज पे। फॉर लिपस्टिक आई विल वेयर प्योर रूज लिपस्टिक बाय फ्रीडा। और लिप लाइनर के लिए आई विल यूज दिस 7 Heaven फोटोजेनिक लिप पेंसिल। ये मैंने अपने एक लोकल स्टोर से खरीदा था। दिस इज सच गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सो लिपस्टिक के पहले अगर आपके लिप्स पे कोई प्रोडक्ट है जैसे पाउडर फाउंडेशन सो उसको आप निकाल दीजिए। मेकअप इज डन। नाउ लेट मी पुट ऑन माई आउटफिट एंड बी राइट बैक।